हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। नए व्लॉग में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। और ये देखो आ रहे हो अद्दू प्रथम। ऐसी बोलो क्योंकि बालक है। मेरा नाम मोदी जी है। और ये राहुल गांधी है। कब क्या बोलना है आपको? मैं हूँ जियांश। मैं हूँ पापा। हिंदी बात करनी है? हिंदी में बोलना है। क्यों? क्योंकि ये भारत है। भारत में हिंदी बोलनी है। और ये देखो आज आए फ्रेंड बच्चे। और आते ही देखो आरव ने क्या मचा रखा, ये कैरम बोर्ड। और प्रथम भाई साहब बैठे हैं। और आरव को तो फुर्सत नहीं है आने के बाद। आज आए हैं बच्चे, फ्रेंड खूब एंजॉय कर रहे हैं। मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है आज फिर बच्चों को देखकर। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ठीक हो गई हूँ और अब मैं इनके साथ एंजॉय करूंगी। अद्दू आ जाओ। अद्दू कुर्सी। अद्दू का रिजल्ट नहीं आया अभी, आएगा अद्दू? यस। आपका रिजल्ट नहीं आया अभी, कब आएगा? अप्रैल 11th। हाँ 11 अप्रैल को आएगा। और 11 अप्रैल से इनके स्कूल खुलेंगे। पर ये एंजॉय करेंगे इंडिया में अभी। अभी सिंगापुर नहीं जाएंगे। और आरव का, आरव का रिजल्ट आएगा। आरव आपको कोई चिंता नहीं है? अरे आपको कोई टेंशन है क्या? रिजल्ट नहीं आया आपका? हाँ जी मैडम, जय हिंद मैडम। खूब एंजॉय कर रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ फ्रेंड? हमने अभी हमने सोचा अभी टाइम है, सबसे कहा कि चलो हम चाय पी लेते हैं, बच्चों को ताने में टाइम है अभी। जैसे ही हमने चाय बनाई रखी आ रहा हूँ आ गया। डोर खोलो, डोर खोलो। अरे मेरे का बच्चे आ गए हैं भाई, खुशी का ठिकाना नहीं। चाय तो इसलिए बनाई थी, एक घंटा था हमारे हिसाब से। हाँ आपने सोचा एक घंटा है, अभी बच्चे आएंगे तब दोबारा बना लेंगे। हाईवे पे तो जल्दी जल्दी कवर हो गया। हाँ हाईवे पे तो जल्दी। फ्रॉम द रोड मिनिस्टर। और अब नए नए ब्लॉग बच्चों के साथ एंजॉय करूंगी तो आपके साथ भी शेयर करूंगी। नानी जी रोड मिनिस्टर है। होम मिनिस्टर है। असलियत के होम मिनिस्टर कौन है? अदिति होगी। रेडी है अदिति? आ जा आप भी मिलो मेरे फ्रेंड से। वाह अदिति लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। वाह अदिति की साड़ी देख लो फ्रेंड, कितनी सुंदर लग रही है। इंडियन ड्रेस की तो बात ही अलग है। और ये कपलू बैठा है, कपलू आप भी आ जाओ। हाय हेलो। कैसे स्टार है हमारा प्रेयर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहो दोनों। अदिति मैं कह दी थी तेरा जो मन करे वही खूब पहना अपने यहाँ पर। ये देखो तीनों के तीनों लग रहे हैं, इनका गुरुजी है बड़े भैया प्रथम। आ रहा हूँ। आप खेलते खेलते पानी मत पिया करो बेटा, खांसी आती है। खांसी आपको तो हो ही जाती है। ये फ्रेंड से बच्चे गए हुए हैं सोनू के घर, यानी कि बेटी के घर। आप देखो कैसे चुपचाप सुनसान कैसे घर लग रहा है। बच्चे जाने के बाद तो बेटे के घर गए हैं और हमने भी अपना खाना खा लिया है। शाम का टाइम है, रात का 7:45 हो गए हैं शायद। और मैं फ्रेंड अब बना लगा रही हूँ आइस पैक। ये देखो मैंने अपने एक्सरसाइज कर ली थी, ये आइस पैक है। ये
इसे फ्रेंड क्या होता है पहले भी बताया था मैंने आपको, दर्द को कम करने के लिए इसकी बर्फ़ की सिकाई, और मान लो कहीं स्वेलिंग वगैरह हो तो उसको कम करने के लिए भी ये आइस पैक लगाना होता है फ्रेंड। ये इधर से भी दोनों घुटनों पर रख के बैठी हुई हूँ, तीन चार बार लगाती हूँ दिन में, और इस वाले में तो पता नहीं क्या है, देखो बीच बीच में लटक गई है ये बर्फ, टूट गई है, और लानी पड़ेगी शायद, और लाना पड़ेगा इस पैक, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि अगर इसके काम चलेगा लाना ही पड़ेगा। और हमने भी अपना खाना वाना खा लिया है, सर ने भी और मैंने भी, और अब हम पियेंगे दूध, सर ने बना लिया है दूध हमारा, और कपड़े आए हैं प्रेस होके, वो सर ने लगाए हैं अभी अलमारी में, फिर आ जाएंगे बच्चे, फिर मचाएंगे उड़दम के, फिर देखना कितने बजे तक कूदेंगे वो। पर ये बात है फ्रेंड, बच्चों के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है, घर यही घर इतना बड़ा लगता था मुझे अकेले, लेकिन अब बच्चे आए हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बड़ा नहीं है, सही है, इतना तो होना ही चाहिए। सही बात है फ्रेंड, बच्चों से ही रौनक होती है। अब देखो चले गए हैं तो कैसा लग रहा है, और आते हुए एकदम से ही इतना दम बचा जाता हमारा, और छोटा तो बहुत ही बोलेगा, कुछ जो कहेंगे वो तो बोलता ही नहीं, वो तो बोलेगा, तो इस उम्र में बच्चे करते हैं अपनी मन मर्जी की, कौन आ रहा है ये कर? और ये कहेगा हिंदी बोलो क्योंकि ये भारत है। ये सेंटेंस सीख रखा है यार उन्हें, हिंदी बोलो क्योंकि ये भारत है। भारत में हिंदी बोलनी है, और फिर थोड़ी देर तो हिंदी बोलेगा, उसके बाद फिर अपने ही उस पर आ जाएगा जो उसकी लैंग्वेज है। और लेकिन हिंदी बोलने का तो अच्छा बहुत लगता है, हिंदी बोलते हुए हिंदी समझ में आती है, उसको बोल भी लेता है, क्योंकि उनका उन मतलब कोई सब्जेक्ट है उनका हिंदी का वहाँ पर, तो हिंदी बोल भी लेता है, समझ भी लेता है, लेकिन थोड़ी देर बोलेगा फिर वही अपने उस पर आ जाते हैं दोनों बच्चे। जैसे हम सोचते हैं ना फ्रेंड, हम थोड़ी बहुत देर तो हिंदी से बोलेंगे, मान लें बोलनी पड़ेगी तो दुखी से हो जाते हैं कि क्या इंग्लिश बोल बोल के थक गए हम, तो अपनी हिंदी ही सही है। वही बात है, जो लैंग्वेज हमारे मुंह पर चढ़ी हुई होती है फ्रेंड, आज तो आप भी देख रहे होगे मेरा फेस कि मैं कितनी खुश हूँ आज, नहीं तो लटका लटका फेस होता है मेरा। और आज मैंने बाल धोए थे तो मैंने अब कंघी तो कर ली थी, लेकिन मैंने क्लचर वगैरह कुछ लगाया नहीं, अभी सर ने दूध ले आए हैं सर मेरा, आप पियेंगे दूध, सर ने अपना भी बना लिया है, बच्चे तो पता नहीं कितनी देर में आएंगे, वो खूब इंजॉय करके आएंगे आराम से, क्या जल्दी है उनको आने की। और बेटे का है फ्रेंड वर्क फ्रॉम होम कल से, तो वर्क फ्रॉम होम करेगा कल से, अपना ऑफिस का टाइम जो है सिंगापुर के हिसाब से वैसे ही करेगा अपना, नेक्स्ट वीक फिर छुट्टी पर चलेगा। तो चलो फ्रेंड आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, बाय 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 फ्रेंड्स।